अस्सलाम वालेकुम। PHP में सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके बाद हमने फॉर्म का डेटा जो है वो डेटाबेस में इंटर करवाया था। अब हमने ऊपर एक मैसेज शो करवाना है कि जब डेटा फॉर्म में इंटर हो और सेव पे क्लिक करो तो ऊपर मैसेज भी शो होना चाहिए कि सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए छोटी सी क्यूरी यूज़ होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैसेज लिखेंगे, जो मैसेज हम शो करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे डॉलर के साथ अंडरस्कोर सेशन, सेशन कैपिटल में लिखें, सेशन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे, जैसे कि हम फॉर्म में ID वगैरह यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए ID यूज़ करते हैं और फिर वो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं मैसेज वगैरह कुछ शो करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में भी आप ये मैसेज शो कर सकते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तो ऊपर मैसेज आ जाए कि सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद इज़ इक्वल टू, और सिंगल कोर्स में हम यहाँ पे मैसेज इंटर करेंगे कि हम क्या मैसेज शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख लेता हूँ रजिस्टर सक्सेसफुली। तो ये मैसेज जो हमारा फॉर्म के ऊपर शो होगा, अभी ये नहीं शो होगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ मैसेज लिखा और उसको ID दी है। तो ID मैसेज, अब हमने मैसेज को कनेक्ट करने के लिए हमने टॉप पे जो है वो सेशन लिखना है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये सेशन स्टार्ट, ये हमने हर पेज के ऊपर लिखना पड़ता है कि जिस पे अब मैं मैसेज यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन शो जो है वो फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में शो होना चाहिए। तो उसके लिए ये ऊपर मैंने देना है सेशन स्टार्ट, हर पेज के ऊपर देना है, जिस पे भी मैंने मैसेज कोई शो करवाना है उसके ऊपर मैंने स्टार्ट लिखना है, सेशन को स्टार्ट करना है। तो ये हम यहाँ पे मैं फॉर्म के अंदर शो करना है, तो फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी क्यूरी मैसेज शो करवाने की। अभी ये जो है ये मैसेज शो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं PHP का टैग शुरू करता हूँ यहाँ से PHP और इसका एंडिंग टैग। अब मैं इसके अंदर मैसेज की क्यूरी लिखूंगा कि मैसेज जो है वो किस तरह शो हो। तो इफ इज सेट, अगर ये सेट हो मतलब एक किस्म का सेव हो जाए, तो उधर हमने जो वेरिएबल लिखा हुआ है मैसेज का वेरिएबल ये वाला है डॉलर अंडरस्कोर सेशन। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ सिंगल कोर्स में वो लिखूँगा मैसेज ID जो वहाँ मैंने दी हुई है वो मैं यहाँ लिस्ट पे लिखूँगा। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं जो है इस सेशन को डॉलर अंडरस्कोर सेशन को मैं एक वेरिएबल दूंगा डॉलर माई मैसेज इज इक्वल टू, फिर मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगा डॉलर इज इक्वल डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और फिर मैं सिंगल कोर्स में वहीं ID लिखूंगा मैसेज की और मैं आगे से हमें कॉलम दे के बंद कर दूंगा इसको। उसके बाद शो करवाने के लिए जो यूज़ किया जाता है PHP में वो होता है इको। कोई भी चीज़ आपको शो करवानी हो उसके लिए आप इको यूज़ करते हैं। तो इको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये मैं पैराग्राफ में शो करना है। तो यहाँ पर मैं P का टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं सबसे पहले लेता हूँ ID, जो मैंने ID उधर ली हुई है वो ID लेता हूँ। इसी को कुछ डबल कोर्स में यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज, मैंने ID ली हुई है उसको मैं थोड़ा सा स्टाइल वगैरह दे देता हूँ, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, बस एक कलर ही मैं इसको दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसको करता हूँ बंद, ये बंद हो गया। अब मैं यहाँ डॉट के साथ जो मैंने ऊपर वेरिएबल दिया है माई मैसेज का, ये मैंने नीचे शो करवाना है। ये माई मैसेज का मैंने यहाँ लिख दिया और उसके बाद फिर मैं डॉट दूंगा और फिर सिंगल कोर्स के अंदर मैंने वो बंद करना है पी का टैग, ये बंद हो गया। अब ये सिर्फ शो करवाने के लिए है,
लेकिन अब इसको ख़त्म भी तो करवाना है, क्योंकि जब वो रजिस्टर हो जाए तो वहाँ पे मैसेज आ जाए, फिर वो रिफ्रेश करे तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, या जावास्क्रिप्ट यूज़ करके 5 या 10 सेकंड बाद वो मैसेज हम खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तो अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो जब भी रिफ्रेश करेगा वो मैसेज उधर ही शो होगा जब तक कि वो अपने सिस्टम को रिस्टार्ट ना करे। तो ऊपर हमने लिखा था ई सेट, यहाँ हमने लिखना है अनसेट, क्योंकि उसको ख़त्म भी करवाना है। और मैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इसको अनसेट हमने करना है और सिंगल कोट्स के अंदर मैसेज लिख दिया, और ये बस ये हमने क्यूरी लिखनी है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ। ये देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरमान, ये मैं नंबर लिख लेता हूँ, पास लिख लेता हूँ 1212 1212, ये पासवर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो वो देखो ग्रीन कलर में मैसेज आ गया कि रजिस्टर सक्सेसफुली। तो अगर मैं इसको डिज़ाइन वगैरह देना हो तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट में जाके इसको डिज़ाइन दें, क्योंकि ये तो शो नहीं होगा, ये सिर्फ बटन पे क्लिक पे शो होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको स्टाइल वगैरह दे के फिर वो वहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो फॉन्ट साइज़ मैं रख लेता हूँ इसका 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600। तो ये मैं एक एक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने दोनों किए तो वो लाइन ब्रेक कर देगा और नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ सेव, दोबारा मैंने रिलोड किया। अब मैं दोबारा अरमान से नाम और ये नंबर आ गया, नंबर के बाद पासवर्ड 1111, और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक करता हूँ। देखो वो वहीं बोल्ड में आ गया। तो अब मैं डेटा पे इसमें चेक करता हूँ कि डेटा आया या नहीं आया। तो ये देखो ये अरमान वाला आ गया, दो डेटा जो मैंने अभी इंटर किया वो आ गए। तो इस तरह हम PHP पे जो मैसेज शो कर सकते हैं कि हम जैसे बटन पे क्लिक करें तो ऊपर मैसेज आ जाए। ये ऊपर भी होता है, फॉर्म के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अभी तो PHP को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का फॉर्म है, उसे सिर्फ सिर्फ जो है वो नेम से मतलब होता है, इनपुट से मतलब होता है। तो ये आप फॉर्म का डिज़ाइन वगैरह दे के फिर उसमें मैं आप शो करवा सकते हैं कि हमने मैसेज कहाँ पर शो करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड द हाफिज़।